अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं अभी अभी क्लिनिक से बाहर निकली थी, सलार का चेकअप था, तो हुआ ये कि सलार ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग किया। इसकी ना वैक्सीनेशन भी इसी क्लिनिक से होती है, तो पता नहीं वो डॉक्टर को देखते ही ना इतना ज़्यादा रोने लग गया कि चेकअप ही नहीं करवा रहा था, चेक ही नहीं करने दे रहा था। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने इसको चेक किया पकड़ के सबने, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत इसे तंग किया। क्लिनिक के साथ ही ना एक यहाँ पे शूज़ स्टोर है, तो मैंने ना घर के लिए जूता लेना था, इसलिए मैंने कहा मैं देख लेती हूँ यहाँ से कोई जूता। विंटर्स में तो ठंड की वजह से जो है ना वो घर में भी स्लीपर्स ही पहने जाते हैं, तो अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया, गर्मी आ गई अब सही वाली ना, तो मैंने कहा मैं ओपन जूता ले लेती हूँ अपने लिए ना कोई। तो साथ में मैं ये वाले जूते देखना शुरू हो गई है, सिर्फ मैं अपनी आंखों को ही ठंडा कर रही थी। मुझे पता था पहले से ही कि मुझे मिलना कोई नहीं है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हुआ ऐसे मैंने देखा है लेकिन मिला नहीं है। मुझे पता चल गया कि भाई मुझे यहाँ से कोई भी जूता जो है ना नहीं मिलना। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो लास्ट नंबर होता है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि 39 या 40 बनता है नंबर, और मुझे जो है ना वो 41 नंबर आता है। इन शॉप्स पे जो है ना वो रेगुलर आपके यूज़ करने के लिए जो है ना रीज़नेबल प्राइस में जूते होते हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा साइज़ ही नहीं मिलता, इसलिए मैं ले नहीं सकती। 40 भी जब मैं चेक करती हूँ तो वो मुझे इतना छोटा लगता है ना कि उसमें मेरा पाँव ही नहीं जाता। शायद इनके जो फिटिंग है ना जूते की वो बहुत इन्होंने स्लिम स्मार्ट बनाई होती है, कि इनके पाँव जो है वो बहुत स्लिम होते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो वाई कि क्या मसला है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। और जो इस तरह के जूते होते हैं ना, इनमें वो जो लास्ट नंबर है ना 40, वो उसमें आ ही जाता है पाँव, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ होते हैं ना, इसलिए ये वाला जो है वो मिल जाता है बस। वैसे कोई फॉर्मल जो है ना वो नहीं मिलता जूता। मैं यहाँ सिग्नल पे खड़ी थी, मेरा सिग्नल बंद था, तो मैं वेट कर रही थी। मैंने साइड पे एकदम मेरी नज़र पड़ी ना, तो एक कैट सोई हुई थी, और पता है यहाँ पे ये चीज़ बहुत रेयर होती है। यहाँ पे मैंने नहीं देखा, 2 या 3 बार मैंने देखा होगा कोई बिल्ली इधर उधर, या कुत्ता तो कभी भी नहीं देखा, बिल्ली का भी देख लिया 1-2 बार। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सबने पैट्स रखे होते हैं ना, तो होते ही नहीं है इस तरह रोड्स पे। आप थक गए हो सर, आप थक गए हो बैठे बैठे, क्या कह रहे हो? मामा थक गई हैं, और अभी हाफ रास्ता पड़ा हुआ है, और मैंने कहा यहाँ पे 2 मिनट रुक जाऊँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा कवर था ना ऊपर से, तो धूप नहीं पा रही, वरना धूप बहुत तेज़ है आज और शदीद वाली गर्मी है। आपने जूस पीने, जूस पीने, अच्छा क्या जूस, पूरा रास्ता जो है ना वापसी पे जाते हुए तो सलार चुप करके चला गया, वापसी पे गई सलार को जूस थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिल रहा है। और अच्छा ये जूस और साथ में बिस्किट जो है ना वो सलार को थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक मिल रहा है, तो सलार चुप है। सलार प्लीज़ पीछे हो जाओ, सलार क्या कर रहे हो ये, अब मैं घर आ गई थी। और ये वाला मैंने ब्लू में लिया था जूता, येलो मैंने नहीं लिया बस, तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने इसको थोड़े दिन घर में पहनना है, और फिर मैंने सोचना कि मैं बाहर जा रही हूँ ना ग्रोसरी करने या वली को नीचे छोड़ने जा रही हूँ लेने के लिए, तो मैं यही जूता बाहर के लिए लगा लेती हूँ, घर के लिए फिर कुछ और कर लूँगी। अब यहाँ पे सलार जो है ना वो इसकी मिल्क बोतल ख़त्म हो गई थी ना, तो वो मुझे आगे दिखा रहा था ये फिनिश हो गया। उसके बाद ना उसकी नज़र मेरे जूते पे पड़ी ना, तो उसने फिर मुझे कुछ कह रहा, कहने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या जूता ना न्यू, कुछ फील कर रहा था चेंज, तो वो मुझे इशारे से बता रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि अपना फीडर जो है ना जाओ किचन में रख के आओ, तो वो माशाल्लाह इतना समझदार है कि वो वाकई जाके ना उसको सिंक में रखाया। और घर आते सलार ने क्या कारनामा किया है, ये आपके इधर टूटी हुई जीप पड़ी नज़र आ रही होगी, वो भी जैसे इंतज़ार में बैठी थी, सलार ने बस उसको एक बार फेंके तो उसके 2 टायर ही टूट गए। अब वली का जो रिएक्शन है ना वो पता नहीं क्या होगा जब वो इसको देखेगा। अब सलार को सुलाने के बाद तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी, भाई हम औरतों की जगह होती किचन में है बस। तो मैं ना आज सोच रही थी कि मैं फ़िश बिरयानी बनाऊँ, तो उसके लिए मैं फ़िश तो पहले से निकाल कर गई थी सुबह जब इसको लेकर गई थी, तो अब ये डीप फ्रोस्ट हो गई हुई थी,
तो मैंने इसको कट कर लिया था पहले स्लाइसिस में। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम है ना, ये बोनलेस है ना, तो इस वजह से शायद कुछ लोग नहीं इस तरह करते होंगे कि इसमें इतनी कोई हाथ स्मेल नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत स्मेल होती है। करना ये है कि इसको जब आपने कट या कट करने से पहले या कट करने के बाद अगर आपने पानी में थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने उसमें भिगो देना ना, तो उससे ये होता है कि फ़िश की जो एक खास किस्म की स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल चली जाती है और आपको स्मेल से बिल्कुल नहीं आप कह सकते कि ये फ़िश आप खा रहे हैं ना। अच्छा, सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए करना है, ज़्यादातर ये नहीं कि आपने उसमें उसको छोड़ ही देना है, सिर्फ 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। उसके बाद आपने ना उसको हल्के हाथों से प्रेस कर करके ना, तो उसमें जो सारा पानी है ना उसको आपने निचोड़ लेना है और फिर आपने इसको ड्राई कर लेना। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैंने जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं ना, उसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया है, अदरक का जो है वो मैंने पाउडर लिया है, लहसुन का पाउडर मेरे पास आदम था इसलिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट ले लिया है, और चाट मसाला लिया है, लाल मिर्च ली है, और साथ में 1 टेबल स्पून लेमन का जो जूस है ना वो मैंने लिया है। बस ये चीज़ें डालनी है आपने इसको, और अच्छे से मिक्स करके ना 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रख देना है। और ना ये वाली जो फ़िश होती है ना बोनलेस, ये तो टूटने के लिए तैयार ही होती है, इसलिए आपने बहुत हल्के हाथों से इसको हलाना है ताकि ये टूटे ना, ख़राब ना हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जो 30 मिनट्स के लिए आपने फ़िश को मैरिनेट करके रखा है, उसको आपने ऑयल में जो है ना वो फ्राई कर लेना है, लेकिन आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। ऑयल पहले से फुल गर्म हो उसमें आपने फ़िश डालनी है और फिर उसको हाई फ्लेम पे ही आपने फ्राई करना है। जो आपने राइस बॉयल करनी है ना, उसमें मैंने यहाँ पे कुछ ना साबुत गर्म मसाले डाले हैं, उसमें सिर्फ मैंने जो है ना वो लौंग डाला है और करी पत्ता डाला है और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें राइस डाल के, जैसे सिंपल हम लोग बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं, 80-90% उसको बॉयल करके तो स्टेन कर लेना है। और यहाँ पे साथ में जो है ना वो मैं प्याज इनको कर रही थी फ्राई, इनको फ्राई करके तो मैं साइड पे जो है ना वो टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी, इनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी कि ये ठंडे हो जाएँ और थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फोर्थ हमारा स्टेप है ना, वो हम लोगों ने ग्रेवी तैयार करनी है, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइस में सारा फ्लेवर इसी की वजह से आना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल में जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब वो तो हल्का हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा तो हम लोगों ने उसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी हम लोगों ने उसको 2-3 मिनट अच्छे से पहले उसको कर लेना है फ्राई, फिर उसके बाद हमने स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिर्फ नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, और साथ में जो ये आपको नज़र आ रहा था ना, ये था ज़ीरा, और जो साबुत धनिया होता है ना उसका पाउडर, वो मैंने ना उसको फ्रेशली जो है ना वो मैंने उसको क्रश किया था, क्योंकि जो फ्रेश होता है ना उसकी स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है, इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था और बस वो मैंने 1-1 टेबल स्पून डाला है इसमें। यहाँ पे जो मेरा मसाला है ना वो रेडी हो गया था, क्योंकि उसमें से ऑयल निकल आया था, उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद जो मैंने फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो मैंने 1 by 1 करके जो है ना वो इसमें रख दिया है, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको हमने टूटने नहीं देना। और फ़िश इसमें रखने के बाद जो है ना 1 मिनट तक फ्लेम ऑन रहने देना है, और इसको हल्के हाथों से जो है ना मिक्स कर लेना है कि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग जाए। उसके बाद फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर देना है। मैं रेसिपी की जो डिटेल है ना सारी इंग्रेडिएंट्स की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है ना इसको रिटर्न फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िश बिरयानी का लास्ट स्टेप है, मैं इसको दम लगाने लगी थी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने देचकी को जो है ना वो नीचे पैंदे से और साइडों से ग्रीस ज़रूर कर लेना है, उससे ये होता है ना कि वो राइस जो है ना वो चिपकते नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होती है वो ऑफ कोर्स राइस की होती है, उसके बाद जो भी हम लोगों ने ग्रेवी बनाई है सेंटर में उसकी लेयर होती है, उसके बाद फिर राइस की लेयर होती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्याज भी दिखाए थे, जो मैंने कहा था कि मैं इनको फ्राई करके तो निकाल के साइड पर रख लूँगी। फ़िश की जब मैं ग्रेवी की लेयर लगाऊंगी ना, तो उसके ऊपर मैं वो प्याज भी डाल दूँगी, और फिर उसके बाद मैं ऊपर जो थर्ड लेयर है ना राइस की वो लगा के, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो जरदा रंग है ना वो छिड़क दूँगी। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं यूज़ किए, ना बाज़ार का मसाला यूज़ किया है, लेकिन जो फ़िश बिरयानी का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, और उसकी स्मेल भी बहुत मज़े की थी, क्योंकि मैंने उसमें फ़्रेश मसाले खुद से जो पीस के वो यूज़ किए ना, तो उनकी जो स्मेल होती है ना वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे मेरी फ़िश बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी, उसका मैंने दम जो है वो बंद कर दिया था फ्लेम,
और मैं अब आपको इसको सर्विंग ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखने में कितनी यमी लग रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का था। और फ़िश जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी कोई भी टूटने नहीं दी। इसकी एक टिप ये होती है कि आप जब भी फ़िश को फ्राई करो ना तो आप उसको हाई फ्लेम पर करते हो तो वो नहीं टूटती, अगर आप उसको लो फ्लेम पर फ्राई करोगे ना तो वो बिखर जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। होप सो आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक भी करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।